सर्व प्रकारचे सोन्या चांदीचे दागिने खरेदी करा आता एकाच छताखाली श्रीधान ज्वेलर्स 133 न्यू तिरेगाव चांदनी चौक फॉरेस्ट सोलापुर। मैं प्रणीतिताई शिंदे को एक बात कहना चाहता हूँ कि 15 बरस में उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि जिसको आप बता सकते हैं कि ये काम हमारे मध्य विधानसभा में किया है। देखिए सर, यहाँ से जो लोकसभा के उम्मीदवार थे राम सातपुते, ऐसे शहर में चर्चाएं चल रही है कि राम सातपुते की अब शहर मध्य में एंट्री होने वाली है। एक भारतीय जनता पार्टी के आप शहर अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहें? कांग्रेस ने सबको शेंडी लगाई है कि ये सीट हम आडम मस्तूर को देंगे, ये सीट हम MIM को छोड़ देंगे, ये सीट हम राष्ट्रवादी को छोड़ देंगे। अभी उनमें तय नहीं हो रहा है कि किसको सीट मिलने वाली है। ठीक है सर, आपका भी नाम जो है सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष नरेंद्र काड़े अब जो है विधानसभा मध्य में एंट्री करने वाले हैं। कि मुस्लिम समाज के विरोध में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था कि एक घबराहट से निर्माण कर दी कि मुस्लिम समाज में, जिसके वजह से वो नैरेटिव सेट करने के वजह से जरा मुस्लिम समाज घबरा गया। ठीक है सर, पिछले लोकसभा के चुनाव में देवेंद्र कोटे के भाषण को लेकर जो है एक शहर में हंगामा मच गया था। अब वो यहाँ से इच्छुक की दावेदारी कर रहे हैं कि मध्य विधानसभा क्षेत्र में उनका भी नाम सामने आ रहा है, क्या देवेंद्र कोटे को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली? विचारधारा है पैलेस्टीनी जिंदाबाद बोलने वाली विचारधारा, कभी भी इधर का हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ, इधर का हिंदुस्तानी कभी भी नहीं स्वीकार सकता। जनता के मन में सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को वोटों में बांटती है, ऐसे पार्टी को क्या वोट देने चाहिए? ऐसे जो है जनता में एक कांग्रेस की ओर से खास करके कांग्रेस पार्टी आप पर जो आरोप लगाती है। मेरे ख्याल से उन्होंने जो 2014-2019 को जो चुनाव लड़े थे वो 10,000 से 12,000 के आगे नहीं थे। वो जो चुन के आने का आंकड़ा बोल रहे हैं वो शायद उनका जो उनको वोट पड़ते हैं वो आंकड़ा बता रहे हैं। इधर भी बोलो 2014 से 2024 तक किसी मुस्लिम को सोलापुर शहर में कोई दिक्कत आई? गृह मंत्री गंगा भड़कता थे, शायद उनको उनकी कांग्रेस की राजनीति याद आई होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान कर किया होगा, क्योंकि ये राजनीति हमेशा से पहले से कांग्रेस करती आई है। मतलब गृह मंत्री उनके दंगे भड़काते रहेंगे, क्योंकि उनके घर में भी गृह मंत्री थे, इसीलिए गृह मंत्री ऐसा करते हैं उनको ऐसा लगता रहेगा। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप कई दिनों से देख रहे हैं कि सोलापुर शहर में मध्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर किस तरह से राजनीति गरमाई हुई है। कांग्रेस की ओर से मुसलमानों को यहां से उम्मीदवारी मिलना चाहिए, कांग्रेस की मुस्लिम उम्मीदवारों की मांग है, तो दूसरी ओर MIM पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ताई के बाद भाई। तो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में इस बार कमल खिलने वाला है। अलग अलग इच्छुक उम्मीदवारों की हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया ली, उनसे जाना कि उनकी क्या रणनीति है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आपके सामने, दर्शकों के सामने, जनता के सामने सारे जो जनता के मन के क्वेश्चन है उम्मीदवारों से पूछकर आपके सामने रखना। आज हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष नरेंद्र काड़े जी के पास। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, किस तरह से वो शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र को देख रहे हैं, ये सारे सवालों के जवाब और जनता के मन में जो सवाल हैं हम आज काड़े जी से पूछेंगे और आपके सामने रखेंगे।
सर मैं आपका लोक प्रधान में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जिस तरह से लोक प्रधान न्यूज चैनल कई दिनों से अलग अलग इच्छुक उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया ले रहा है, शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी किस तरह से दिखती है? भारतीय जनता पार्टी इस तरह से देखती है कि कुछ भी हो जाए, ये इस टाइम मध्य विधानसभा का महायुति का उम्मीदवार चुन के आना चाहिए, इसीलिए महायुति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है और ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न कर रही है कि महायुति का उम्मीदवार चुन के आना चाहिए। देखिए सर, 15 सालों से शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 15 सालों से यहाँ पर विधायक परिणीति शिंदे थी, वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार परिणीति शिंदे खासदार बन चुकी हैं और ये सीट जो है खाली हो चुकी है। अब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी एक तो विकास के मुद्दे पे वोट मांगती है और विकास के मुद्दे पे ही वोट मांगेगी। आज आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में मध्य विधानसभा सभा के लिए भारतीय जनता पार्टी को अच्छे वोट जनता ने दिए है। इसका एक ही कारण है कि 15 वर्षों में जो काम कांग्रेस ने किया है उससे वहाँ के नागरिक खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने वोट भारतीय जनता पार्टी को दी है। और निश्चित तरह से हमारी जो संगठन है, संगठन और कार्यकर्ता अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और उनके आधार पे हम निश्चित तौर पे इस बार महायुति का उम्मीदवार चुन के लाएंगे। सर, 15 सालों से परिणीति शिंदे वहां से विधायक थे, आपको क्या लगता है शहर मध्य का विकास हुआ है क्या? मैं परिणीति ताई शिंदे को एक बात कहना चाहता हूँ कि 15 बरस में उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि जिसको आप बता सकते हैं कि ये काम हमारे मध्य विधानसभा में किया है? ऐसा कौन सा भी काम नहीं है कि वो बता सकते कि मध्य विधानसभा में किया। आज भी वही प्रॉब्लम है, वही दिक्कतें है, वही प्रॉब्लम है कि विधानसभा के क्षेत्र में पानी का रहेगा, लाइट का रहेगा, अभी देखा तो रस्ते देखे तो रस्तों का प्रॉब्लम है, जो मूलभूत सुविधा है वो भी मध्य के लोगों को नहीं मिल चुकी। जैसा कि मध्य विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा गोर गरीब रहते हैं, झोपड़पट्टी का ये एरिया है, उनके लिए प्रणीताई ने क्या किया? अलग कुछ व्यवसाय दिया उनको? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसीलिए लोगों का आप मानना है कि इस विधानसभा में कुछ भी हो जाए महायुति का ही उम्मीदवार आ जाए। देखिए सर, यहाँ से जो लोकसभा के उम्मीदवार थे राम सातपुते, ऐसे शहर में चर्चाएं चल रही है कि राम सातपुते की अब शहर मध्य में एंट्री होने वाली है, एक भारतीय जनता पार्टी के आप शहर अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहें? अभी उम्मीदवार कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। इसके लिए जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उन सभी की राय ली जाएगी और उसके माध्यम से ही पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना जो उम्मीदवार है वो डिक्लेयर कर देगी। देखिए सर, आपका भी नाम जो है सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष नरेंद्र काड़े अब जो है विधानसभा मध्य में एंट्री करने वाले हैं। नहीं, पार्टी ने मुझे जो काम दिया है वो मैं वो काम कर रहा हूँ। पार्टी जब बताएगी, जो बताएगी वो मैं करूँगा। आज पार्टी ने मेरे को शहर अध्यक्ष के तौर पे काम करने के लिए बोला है, वो मैं कर रहा हूँ। क्या लगता है सर कि भारतीय जनता पार्टी तो अभी गठबंधन के अंदर जो है लड़ने वाली, मतलब शिंदे गट और भारतीय जनता पार्टी का महायुति के अंदर आप जो है इलेक्शन लड़ने वाले, ये यहाँ से मध्य विधानसभा क्षेत्र का जो टिकट है वो क्या शिंदे गट के खाते में आएगा, क्या भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा? नहीं, जिस ये है कि महायुति में जो मेंबर तय होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, वो कि उस पार्टी का उधर की जो ताकत है उसके बलबूते पर ही वो सीट जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि हमारे 17 नगर सेवक यहाँ मध्य विधानसभा में है, उसके हमारा संगठन अच्छा है, इसके तौर से हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम
मांग रहे कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी को ही मिलनी चाहिए। आखिर ये सब निर्णय वरिष्ठ नेता जब महायुति के दरमियान जो बैठेंगे उसमें तय हो जाएगा कि किसको कौन सी सीट मिलेगी। और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो संगठन है इधर का और जो हमारी ताकत है उसके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हम विनती करते हैं। देखिए सर, शिवाजी सावंत का नाम भी जो है बहुत सामने आ रहा है कि वो मध्य से चुनाव लड़ने वाले हैं। कोई भी हो, मैंने पहले ही कहा कि महायुति का जो भी उम्मीदवार हमारी महायुति तय करेगी वो उम्मीदवार चुनने के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। देखिए सर, अभी मान लो आपका जो है कोई भी महायुति के अंदर उम्मीदवार जो है फिक्स हो जाता है तो आपका मुकाबला शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में किससे रहने वाला है? शहर मध्य में अभी मुकाबला किसके साथ है ये अभी तक तय नहीं हो रहा है। अच्छा। क्योंकि लोकसभा के दरमियान कांग्रेस ने सबको शेंडी लगाई है कि ये सीट हम आडम मस्तूर को देंगे, ये सीट हम MIM को छोड़ देंगे, ये सीट हम राष्ट्रवादी को छोड़ देंगे। अभी उनमें तय नहीं हो रहा है कि किसको सीट मिलने वाली है। और कांग्रेस बोल रही कि ये हमें सीट मिलने वाली है, आडम मस्तूर बोल रहे हमें सीट मिलने वाली है। पर एक बात तय है, कोई भी आ जाए यहाँ महायुति का ही उम्मीदवार चुन के आए। सर, यहाँ पर अगर बात करते हैं शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र की तो तीन समाज अहम भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। बहुसंख्यक यहाँ पर मुस्लिम समाज है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पद्मशाली समाज है, तीसरे नंबर का स्थान रखने वाला मोची समाज है। क्या आपको लगता है कि तीनों समाज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ रहेंगे? निश्चित तौर पर पद्मशाली समाज है, मोची समाज है, लोधी समाज है और जो जो समाज है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। पिछली बार कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट किया था कि मुस्लिम समाज के विरोध में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया था कि एक घबराहट से निर्माण कर दी थी कि मुस्लिम समाज में, कि जिसके वजह से वो नैरेटिव सेट करने के वजह से जरा मुस्लिम समाज घबरा गया और उनके बातों में आकर जो मुस्लिम समाज में इस बार जो लोकसभा को जो मत गए रहेंगे पर इस बार विधानसभा को वो वैसी गलती नहीं करेंगे। सर, कांग्रेस की ओर से जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनकी ओर से ये मार जोरों पर पकड़ रही है कि मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देती है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि जो मुस्लिम बहुसंख्यक वोट है मान लो अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से रुकता है तो एक तो MIM का यहाँ पर कैंडिडेट रहेगा तो मुस्लिम वोटरों का डिवाइडेशन और बंटवारा जिसको कहें उसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अपनी राजनीति धर्म और जात के आधार पर नहीं की। अच्छा। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो लड़ने वाली है वो विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। अच्छा। जो विकास हमने किया है वो लोगों के सामने रखेंगे। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि आज जो भी योजना लाई जाती है केंद्र की ओर से रहने दो या स्टेट की ओर से रहने दो, वो सभी समाज को उसका फायदा होता है। वहाँ कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो मुस्लिम समाज को नहीं मिलना चाहिए, हिंदू को मिलना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। अच्छा। फिर भी एक घबराहट निर्माण करके जो राजनीति कांग्रेस करती है उसका मैं निषेध करता हूँ। और निश्चित तौर से जात के धर्म के आधार से बंटवारा हो जाएगा और हम चुन के आएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने काम पे, हम अपने विकास के मुद्दे पे हम चुन के आएंगे। सर, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर हम देखते हैं तो MIM दूसरे नंबर का स्थान शहर मध्य विधानसभा के अंदर रखती है, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करने वाले? नहीं, हैंडल करने का मतलब नहीं, वो अलग पार्टी है, वो उनके हिसाब से उनका जो मतलब
उनके जो तत्व होंगे, जो विचारधारा होगी, उस तरीके से वो विचारधारा अपनी जनता के सामने रखेंगे। जनता निश्चित तौर पे वो विचारधारा कभी भी नहीं स्वीकार सकती कि वो जो मतलब विचारधारा है, अच्छा। पैलेस्टीनी जिंदाबाद बोलने वाली विचारधारा कभी भी इधर का हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ, अच्छा। इधर का हिंदुस्तानी कभी भी नहीं स्वीकार सकता, कभी भी ये विचारधारा इस भारत में नहीं आनी चाहिए, ऐसा सबका मानना रहेगा। और निश्चित तौर पे ये विचारधारा कभी भी इस सोलापुर में स्वीकार नहीं हो सकती। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि पद्मशाली समाज आपके साथ है, अड़म मास्टर से जब हमने प्रतिक्रिया ली तो वो कह रहे हैं कि पूरा मुस्लिम समाज और पद्मशाली समाज मेरे साथ है और 8 से 10 हजार वोटों से मैं चुन के आऊंगा, इस तरह से अड़म मास्टर ने लोक प्रधान से बातचीत करते हुए स्टेटमेंट दिए। मेरे ख्याल से उन्होंने जो 2014-2019 को जो चुनाव लड़े थे, अच्छा। वो 10 से 12 हजार के आगे नहीं गए, अच्छा। वो जो चुन के आने का आंकड़ा बोल रहे हैं, अच्छा। वो शायद उनका जो उनको वोट पड़ते हैं वो आंकड़ा बता रहे हैं, अच्छा। इसीलिए उनको इंडिपेंडेंट है वो बोल सकते हैं, उनको स्वतंत्र है वो कुछ भी बोल सकते हैं, पर निश्चित तौर से मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि महायुति का उम्मीदवार ही चुन के आएगा। ठीक है सर, पिछले लोकसभा के चुनाव में देवेंद्र कोटे के भाषण को लेकर जो है एक शहर में हंगामा मच गया था, अब वो यहाँ से इच्छुक की दावेदारी कर रहे हैं कि मध्य विधानसभा क्षेत्र में उनका भी नाम सामने आ रहा है, क्या देवेंद्र कोटे को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने वाली है? एक शहर अध्यक्ष को लेकर आपके मन में क्या है और क्या कुछ उनके लिए यहाँ पर चल रहा है? पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा, जो उम्मीदवार देगा वो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी, अच्छा। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसको वोट दे उम्मीदवारी देना है ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। उसके बारे में जो सुझाव रहेंगे वो हमारे कार्यकर्ताओं को पूछेंगे, पदाधिकारियों को पूछेंगे, वो हम हमारे जो हमें जो लगता है वो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड को बता देंगे, उसके हिसाब से पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि किसको उम्मीदवारी देनी है। देखिए सर, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, पिछले 15 सालों से प्रणीति शिंदे यहाँ से विधायक है, अब खासदार बन चुकी है, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार मध्य विधानसभा क्षेत्र को टिकट लाकर जो है जीतना क्या इतना आसान रहेगा? निश्चित तौर पे आसान रहेगा, क्योंकि लोकसभा के दरम्यान जो हमारे खिलाफ थे वो सब इकट्ठा आके लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी अकेली, जनता उनके साथ थी, ऐसा हमारा सामना हो गया था। हमारे कुछ जनता के मन में सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को वोटों में बांटती है, ऐसे पार्टी को क्या वोट देने चाहिए? ऐसे जो है जनता में एक कांग्रेसियों की ओर से खास करके कांग्रेस पार्टी आप पर जो है आरोप लगाती है। 2014 से कौन सा भी दंगा इस सोलापुर शहर में नहीं हुआ, कभी भी दंगा नहीं हुआ, कभी दंगा फसाद नहीं हुआ किसी को। यहाँ 2014 से आपको ऐसा लगता है कि कुछ वातावरण है तो आप ही बोल रहे कि मध्य विधानसभा में MIM का उम्मीदवार आ सकता है, इतनी आजादी इधर है ना, बिल्कुल कोई भी इधर प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। मतलब जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है, मुस्लिमों को एक डर पैदा किया जाता है, आप किधर भी बोलो 2014 से 2024 तक किसी मुस्लिम को सोलापुर शहर में कोई दिक्कत आई, किसी ने उनके ऊपर अन्याय किया है, कोई एक आधी योजना है कि वो आई है केंद्र सरकार से राज्य सरकार से वो उनको नहीं मिली या किसी ने उस पर रोक लगाई है, ऐसा कोई भी नहीं है। और एक नैरेटिव सेट करने का और मुस्लिम समाज के वोटों पे
अपना अपना राज करना ये पुरानी आदत है कांग्रेस की और उसकी उस तरीके से वो चल रहे हैं। देखिए सर, परिणीति शिंदे ने कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव जब चल रहे थे तो फडणवीस उप मुख्यमंत्री जो उन पर आरोप लगाया था कि वो सोलापुर में दंगा कराना चाहते थे, इसको लेकर आप क्या कहें? अतिशय मैं उस टाइम भी बोला था कि जो बालिश वक्तव्य रहता है जिसको मैच्योरिटी नहीं रहती, और आप खासदार हो रहे, खासदार बन चुके हैं, आप खासदार बन के तुम हमारा खासदार बन के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सोलापुर का, और आप ऐसी बातें करते हैं कि गृहमंत्री दंगा भड़काते हैं। शायद उनको उनकी कांग्रेस की राजनीति याद आई होगी, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान कर किया होगा, क्योंकि ये राजनीति हमेशा से पहले से कांग्रेस करती आई है। मतलब गृहमंत्री उनके दंगे भड़काते रहेंगे, क्योंकि उनके घर में भी गृहमंत्री थे, इसीलिए गृहमंत्री ऐसा करते हैं उनको ऐसा लगता रहेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि ये सीट चुन के आएगा ऐसा हर एक को लगता था। कार्यकर्ताओं ने उतनी मेहनत की थी, उतना कॉन्फिडेंस था कि ये सीट आएगी। मतलब पर इसमें जो नैरेटिव सेट किया गया मुस्लिमों के खिलाफ रहेगा, संविधान के खिलाफ रहेगा, मतलब हमने विकास की बात की, उन्होंने जाति धर्म की बात की। हम वो राजनीति नहीं कर सके, इसलिए हमको ये अपयश आ गया, हम नहीं जीत सके। पर हम हार भी गए तो हमें अभिमान है कि हम जात धर्म के आधार पे राजनीति न करके चुन के आए, हम लोगों के पास विकास लेके गए, पर उन्होंने जात और धर्म के आधार पे हमें हराया है, ऐसे उसका हमें कोई गर्व नहीं। ऐसा जो है कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फडणवीस साहब आए, लेकिन एक नारी को हरा नहीं सके बोलकर कांग्रेस की ओर से ये आप पर आरोप लगाए जाते हैं कि आपने कभी विकास की बात नहीं की, आपने मंदिर मस्जिद धर्म की बात की, विकास की बात करने वाली कांग्रेस है, परिणीति शिंदे, इसलिए लोगों ने, जनता ने उनको खासदार बनाया है, लोगों ने विकास के मुद्दे को पसंद किया है और जात के धर्म के मुद्दे को पसंद नहीं किया, इस तरह से परिणीति शिंदे कई बार स्टेटमेंट दे चुकी हैं, प्रतिक्रिया दे चुकी हैं। प्रणीत भाई को मैं पहले शुभेच्छा देता हूँ कि वो अभी खासदार हो चुके हैं। जब से खासदार हो चुके हैं तब से एक भी बात उन्होंने विकास की नहीं की। दंगल, गृह मंत्री ने ऐसा दंगल करने का प्रयास किया, वैसा किया, घमंड में बात करने का, विकास के मुद्दे को कहीं तो छोड़ के ऐसी बातें लाई जा रही है, क्योंकि आप विकास जानते ही नहीं है। ये थे हमारे साथ शहर अध्यक्ष नरेंद्र काड़े साहब। लोक प्रधान न्यूज चैनल ने इनसे खुली चर्चा की, जो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इच्छुक उम्मीदवारों के नाम आ रहे थे वो भी हमने इनसे बताया। इनका कहना है कि बड़ी ताकत से भारतीय जनता पार्टी मध्य विधानसभा क्षेत्र में लड़ने वाली है, और लोकसभा के अंदर जो राम साधु यहाँ से उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको जो वोट मिले हैं, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, वो मध्य विधानसभा क्षेत्र में जो भी उम्मीदवार रहेगा उस पर हम कर्ज चुकाएंगे और विकास पर हम बात करेंगे, हम यहाँ पर विकास करेंगे, इस तरह से उनका कहना है। हम यही रुकते हैं लोक प्रधान चरण से मजबूती करना सुबह। आपल्या आवडीचे सोन्या चांदीचे दागिने खरेदी करा फक्त रिधान ज्वेलर्स मध्ये। 24 कॅरेट, 22 कॅरेट, 20 कॅरेट आणि 18 कॅरेटचे हॉलमार्क केलेले सोन्या चांदीचे दागिने फक्त आणि फक्त रिधान ज्वेलर्स मध्ये। ग्राहकांसाठी 10 ग्रॅम सोने खरेदीवर 10 ग्रॅम चांदीचे नाणे मोफत, 100% रिसेलची गॅरंटी। आता सोने खरेदी करा हप्त्याने, रिधान गोल्ड योजना, 11 हप्ते तुमचे, 12वा हप्ता आमचा, मजुरीवर 50% सूट। एकदा अवश्य भेट द्या रिधान ज्वेलर्स, 133 न्यू तिरेगाव, चांदनी चौक, फॉरेस्ट, सोलापूर।